आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी में उसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के जो साइड होते हैं, जैसे कि बेस जिसको बोलते हैं उसको हिंदी में हम लोग आधार बोलते हैं, परपेंडिकुलर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं उसको हिंदी में सीधा बोलते हैं, आधार को बेस, और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस इसको जानने से पहले हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम होता क्या। पाइथागोरस थ्योरम होता है बेस, बेस का स्क्वायर, दैट इज बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ये होता है हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम। और ये बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए। तो यहाँ पर जो है ए बी है हाइपोटेन्यूस, बी सी है परपेंडिकुलर, और ए सी है बेस, आधार। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि साइन, साइन का एंगल यहाँ पे होता है, ये जो एंगल है ये एंगल को हम लोग अगर ले करके चलते हैं, ये ए एंगल हो गया मान के चलते हैं, साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या हो गया, ये एंगल, एंगल जितना भी होगा उतना डिग्री हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, साइन ए मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या है, अगर ये एंगल को हम लोग लिए हैं तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसका सीधा बी सी, हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा ए बी, ए बी। सिमिलरली अगर कोस है, कोस ए इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है हम लोग ए सी, हाइपोटेन्यूस क्या है ए बी। आगे टेन का, टेन का हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हम लोग का बी सी, और बेस है हम लोग का ए सी। सिमिलरली अगर हम लोग उल्टे साइड से करते हैं, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा कोट, कोट का क्या हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, सेक का हो जाएगा हाइपोटेन्यूस बाय बेस, कोस सेक का हो जाएगा हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है, पी बी पी है जो, उसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, पंडित भोला प्रसाद हरि, हरि बोल, पी फॉर परपेंडिकुलर, भोला बी फॉर बी बेस, प्रसाद बी से स्टार्ट है, पी फॉर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस एंड बेस, सिमिलरली वैसे ही। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में क्या है, टेन ए, टेन ए इक्वल्स टू फोर बाई थ्री, टेन ए का वैल्यू दिया हुआ है और बाकी रेशियोज हमें निकालना है, साइन कोस कोसेक सेक कोट का निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, तो ट्राइंगल ये रहा, आप एक रफ फिगर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये हो गया ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो टेन ए दिया है, तो टेन ए मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय, अभी बताया था मैंने, पंडित भोला, सॉरी तो पंडित भोला प्रसाद हरि, हरि बोल, तो इसमें टेन का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेन ए इक्वल्स टू फोर बाई थ्री है, तो फोर बाई थ्री, फोर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है बी सी, बाई बेस क्या है ए सी। तो ये हम लोग का दिया हुआ है बी सी कितना है फोर, और ए सी कितना है थ्री। तो सिमिलरली अब ए सी, ए बी भी निकाल सकते हैं हम लोग, लेकिन इसके लिए हम लोग लगेगा पाइथागोरस थ्योरम जो अभी बताया था मैंने, हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू, सॉरी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, ये अभी बताया था मैंने, फिर एक बार रिवाइज हो गया। तो हाइपोटेन्यूस कितना है हमें, हमारा ए बी, हमें पता नहीं है ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बेस कितना है ए सी, ए सी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है बी सी स्क्वायर। तो ए बी हमें पता नहीं है, तो ए बी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर ही रहने देते हैं, ए सी स्क्वायर हम लोग का है, ए सी है थ्री, थ्री का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है फोर, फोर का स्क्वायर, तो थ्री का, थ्री का स्क्वायर कितना हो गया थ्री, थ्री जा नाइन, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, तो कितना हो गया टोटल ट्वेंटी फाइव। इधर ए बी है, ए बी का स्क्वायर, तो ए बी अगर उधर जाएगा तो उधर रूट में हो जाएगा, तो ट्वेंटी फाइव का रूट क्या हो जाएगा फाइव, तो ए बी कितना हो गया हम लोग का फाइव, तो ए बी हम लोग का वैल्यू निकल गया फाइव। अब
सॉरी यहाँ से देख रहे हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 9 प्लस 16, जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है और 16 है वो 4 का स्क्वायर है। ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 16 कितना हो गया 25, और ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट 25, क्योंकि स्क्वायर इधर से जब जाएगा इक्वल साइड के अपोजिट साइड में जाएगा उधर रूट में चेंज हो जाएगा, और 25 का रूट क्या है 5, तो ए बी इक्वल्स टू 5 हो गया। अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, हमें 10 का पता है, 10 ए इक्वल्स टू 4 बाई 3। अब साइन का क्या हो जाएगा हम लोग का, एक बार और बता रहा हूँ आप लोग को, देखो ये है हम लोग का फिगर, ये हमने फाइंड आउट किया पाइथागोरस थ्योरम से जो ए बी का डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया 5। अब साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, कोस का क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, और टेन का क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। हमारे पास 10 का निकाला हुआ है, 10 का जो हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में वो है, अब हमें निकालना है साइन का। तो साइन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है जो सीधा बोलते हैं इसको, सीधा हम लोग का क्या है 4, 4 बाय हाइपोटेन्यूस कितना है हम लोग का जो इसका हम लोग कर्ण बोलते हैं इसको कर्ण, तो कर्ण हम लोग का कितना है 5। अब साइन ए हम लोग का निकल गया, अब कोस का निकालना है, तो कोस ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो बेस हम लोग का क्या है आधार 3, और कर्ण कितना है 5। 10 का हमारे पास ऑलरेडी है, अब हम लोग निकालेंगे कोसेक का, कोसेक का क्या है इधर नीचे से जाएगा कोसेक में हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूस हम लोग का कितना है कर्ण 5 बटा परपेंडिकुलर कितना है 4। उसी तरह हम लोग सेक का भी निकालेंगे, तो सेक हम लोग का है हाइपोटेन्यूस बाय बेस, मतलब कर्ण बाय कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना है हम लोग का 5 और आधार कितना हम लोग का 3। उसी तरह निकालेंगे कोट का, कोट क्या हम लोग का आधार बटा सीधा, तो आधार कितना हम लोग का 3 और सीधा कितना हम लोग का 4। अब आप लोग देखो टेन ए, ये रहा टेन ए, तो टेन ए का क्या है 4 बाई 3, उसी का उल्टा हो जाएगा 4/3, जो है टेन ए का 4/3 है, तो कोट ए का 3/4, टेन का उल्टा कोट, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक, कोस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक। अब देख लो 4/5, यहाँ पे 5/4, 3/5, 5/3, तो इसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, विद राइट एंगल किस पे है बी पे, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का कोण है बी पे, और ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, और बी सी है 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या निकालना है साइन ए कोस ए, साइन ए और कोस ए निकालना है हम लोग को, और साइन सी और कोस सी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग करेंगे हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण का वैल्यू क्या है उसको हम लोग निकालेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा कर्ण ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बेस क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर। तो ए सी कितना है हम लोग का नहीं पता, हम लोग को ए सी स्क्वायर नहीं पता, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 7 का 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए सी का क्या हो जाएगा स्क्वायर हट जाएगा इधर, तो इधर आकर के रूट हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा हम लोग का 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए सी कितना हो जाएगा 625 का रूट कितना होता है 25 सेंटीमीटर का रूट, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर होगा बाहर, जब रूट से बाहर निकलेगा तब, तो ए सी कितना हो जाएगा हम लोग का 25 सेंटीमीटर, मतलब कर्ण हो गया हम लोग का 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग को आधार भी पता है, सीधा भी पता है, और कर्ण भी पता है, तो हम लोग क्या निकालेंगे पहला क्वेश्चन का साइन ए और कोस ए। तो साइन ए, साइन ए क्या हो जाएगा हम लोग का क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हरी हरी बोल, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे बी सी, और हाइपोटेन्यूस क्या है हम लोग का ए बी, आई एम सॉरी हाइपोटेन्यूस हम लोग का ए सी, तो बी सी कितना है हम लोग का सॉरी बी सी है 7, और ए सी कितना है 25, तो साइन ए हम लोग का निकल गया 7/25।
अब हम लोग निकालेंगे कोस ए। कोस ए क्या हो जाएगा हम लोग का, पंडित भोला प्रसाद, भोला बी बाई हरी हरी बोल, तो हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हम लोग का। बेस कितना है बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। बेस कितना है हम लोग का वैल्यू 24 सेंटीमीटर, और एसी की तक क्या है 25 सेंटीमीटर। तो ये रेशियो है हम लोग का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इस रेशियो में आप लोगों को पता होगा कि यूनिट नहीं होता है, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, सेम यूनिट में ही रेशियो निकाला जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा है। तो हम लोग का कोस ए हो गया 24/25। अब अगला क्वेश्चन जो ये है साइन सी और कोस सी, तो इसके लिए मैं फिगर को दोबारा बना रहा हूँ ताकि आप लोग समझो। तो फिगर बनाने के बाद फिर बता रहा हूँ। ये जो ट्राइंगल है इसको अब घुमा दिया है, सी नीचे आ गया और ए ऊपर चला गया, जो ऐसा बनेगा इस तरीके का। दूसरा क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है साइन सी और कोस सी। तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, जो सीधा है ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। तो ए बी का वैल्यू कितना है 24 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज जो कर्ण है उसका वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर। तो साइन सी कितना हो गया हम लोग का 24/25। सिमिलरली हम लोग को निकालना है कोस सी का। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस मतलब आधार। तो आधार कितना है हम लोग का 7 सेंटीमीटर, और कर्ण क्या है 25 सेंटीमीटर। तो कोस सी हम लोग का हो गया 7/25। तो ऐसे ही हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे।